हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन के फेस सेकंड या फिर राउंड सेकंड का जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सेकंड राउंड में नाम आया है तो उनको क्या करना है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेड किया था, फ़ीस पे कर दी थी, क्या वो फ़ीस रिफ़ंड आएगी या नहीं आएगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन ही आपको आता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है या जो अपने पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं CSES के UG पोर्टल पर, तो यहाँ पर लॉगिन कर देने के बाद दोस्तों आप सभी का फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कि आप सभी को अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है। चाहे आपने अपने फर्स्ट राउंड में सीट को अपग्रेड किया था या फ्रीज़ किया था, मीन्स अगर आपने अपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया था तो आपको सेकंड राउंड में भी जो है सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और जिनका फर्स्ट टाइम नाम आया है लिस्ट में उनको भी जो है यहाँ पे अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होगा। सीट को एक्सेप्ट कर देने के बाद कॉलेज के पास जो अथॉरिटी रहती है कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, इसका जो एक बार टाइम आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि टाइम क्या है, जो कि यहाँ पे आप शेड्यूल में देख सकते हैं 25 अगस्त शाम को 6 बजे आप सभी के सेकंड लिस्ट जो है इसका डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके बाद आप सभी के पास टाइम है दोस्तों 27 अगस्त तक आप सभी लोग जो है सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। 27 अगस्त के बाद जो है यहाँ पे कॉलेज के पास ये अथॉरिटी रहती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अप्रूव किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को 29 अगस्त तक, और 29 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक आप सभी को जो है पेमेंट कर देनी होगी। 30 अगस्त लास्ट डेट है अपने कोर्स के फ़ीस पे कर देने की। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट नाम आया है, पहली बार नाम आया है सेकंड लिस्ट में, और ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो अपग्रेड करके आए हैं, तो उन सभी को जो है ये काम करना होगा, सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि जिनका नाम फर्स्ट राउंड में आया, जिनका नाम सेकंड राउंड में पहली बार आया है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है कांटेक्ट किया जा सकता है मेल या SMS के थ्रू, या फिर आपके डैशबोर्ड में जहां से आप CSES पोर्टल पर लॉगिन करते हैं वहीं पर क्वेरी रेज कर देंगे, जिसमें आपको कहा जा सकता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, इसको काइंडली दोबारा से रीअपलोड करिए। तो आपको जो है टाइम बताया जाएगा, आपको जो है चांस दिया जाएगा, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे तो यहाँ पे मीन्स सही होंगे तो उसको यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था वो अपग्रेड करके सेकेंड लिस्ट के लिए आए हैं, और उनको भी यहाँ पर जो है सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल गया है, तो उनको ध्यान क्या करना है दोस्तों, जैसे अगर आपने फर्स्ट राउंड में जितनी भी फ़ीस थी अपने कोर्स की, चाहे वो 15,000 हो, 12,000 हो, 10,000 हो, उतनी आपने फ़ीस पे कर दी है, लेकिन जो सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कोर्स की वहाँ पे जो फ़ीस है वो अगर 15,000 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आपने फ़र्स्ट राउंड में जो कोर्स की फ़ीस थी वो अगर आपने 12,000 पे की थी तो यहाँ पे आपको केवल 3,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आपने फ़र्स्ट राउंड में 15,000 रुपये पे किया था अपने कोर्स का, और सेकंड राउंड में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसमें केवल 12,000 रुपये लग रहे हैं, तो जो 3,000 रुपये रहेगा ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसीजर के बाद, जब यहाँ पे सभी के एडमिशन हो जाएंगे तो उसके बाद आप सभी के जो अमाउंट हो जितना भी बैलेंस होगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी सीट को एक्सेप्ट करना चाहता है या अपग्रेड करना चाहता है, तो अपग्रेड करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सीट एक्सेप्ट करनी होगी, फ़ीस की पेमेंट करनी होगी, और आपके उसी डैशबोर्ड में CSES के पोर्टल पे आपको जो है अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप इस लिस्ट में देखेंगे तो थर्ड राउंड के रिगार्डिंग कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि थर्ड लिस्ट कब आएगी, बल्कि यहाँ पर आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, और यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ये बताई गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी सीट खाली रहती है, जितने भी सीट खाली रहती है, तो उनके लिए जो स्पॉट राउंड रहेगा या आपका कह लीजिए अनदर राउंड रहता है तो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप ये मान के ही चले कि थर्ड राउंड जो है ये आएगा ही, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस होते हैं जिनकी सीट्स जो है फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो थर्ड राउंड भी जो है यहाँ पर इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के
अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप सभी लोग जो हैं अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको पहले सीट को एक्सेप्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फ़ीस पेमेंट करनी होगी, उसी के बाद ही यहाँ पर आप जो हैं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी उसको फर्स्ट राउंड में और उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मींस ना ही उसने सीट को एक्सेप्ट किया है, सीट को एक्सेप्ट कर देने के बाद फीस जो होती है वो पे नहीं किया था, तो उसको जो है सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर उसमें कोई भी जैसे डेट हो गया, नेम हो गया, कोई भी इशू होता है, तो सेकंड राउंड के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपको जो है रिजर्व कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी जो कि यूआर जनरल कैटेगरी होती है उसके बेस पे आप सभी का जो है एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा, तो इस बात का जो है ध्यान रखना। इसके अलावा अगर भी कोई भी डाउट रहता है अपने एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कब तक आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।